घर आई लक्ष्मी बॉम्ब। रात होते ही परिवार पर छा जाता है डर का साया, क्योंकि छत पे से आती है किसी के चलने की तो कभी किसी के हंसने की या रोने की आवाज। अरे ये कैसी आवाज है, ढम ढम ढम। सुनो, चुपचाप चद्दर ओढ़ कर सो जाओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? लग तो रहा है, पर तुम्हारे खर्राटे की आवाज से तो कम डरावनी आवाज ही है ना। मैं बहू और आदित्य को उठाती हूँ। अरे इतनी रात को उन्हें उठाना ठीक नहीं रहेगा। तो छोटू को उठा देती हूँ। अरे छोटू अभी छोटू है, उसको मत डराओ। अरे कॉलेज जाने लगा है, इतना छोटा भी नहीं है। देखिए जी, मुझे तो लगता है कि हमें हवन करवा लेना चाहिए। कब तक हम इस डर में जिएंगे? अगली सुबह घर में काम वाली दीदी नहीं आती। मम्मी जी, उसने बोला कि अब वो नहीं आएगी, अपने घर पे भूत का साया है। मम्मी जी। अरे आप मुझे मम्मी बोल के शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? अरे मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ बहू। माँ जी, मुझे तो कभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया घर में। अरे तुम और तुम्हारे पतिदेव घोड़े बेच के सो जाते हो। अरे भूत तुम्हें परेशान करने भी आ जाए ना तो खुद परेशान होके चला जाएगा, क्योंकि तुम तो उठोगे ही नहीं, भूत का टाइम वेस्ट कर दोगे। मम्मी, मैंने ना नई काम वाली दीदी को कॉल किया था, शाम को आ जाएगी, और ये भूत वगैरह ना कुछ नहीं होता। अरे बेटा, कभी हमारे कमरे में सोएगा तो पता चलेगा। एक टोटका करती हूँ, अगर जल्द ही आवाज आना बंद नहीं हुआ ना तो मैं हवन करवाऊंगी घर में। माँ जी बहुत परेशान है, घर में भूत है इस बात से डर के बार बार काम वाली दीदियाँ काम छोड़कर चली जाती हैं, और ना ही कोई पड़ोसी उनके घर आना पसंद करता है। शाम को वो एक नई काम वाली दीदी का इंटरव्यू लेती हैं। मैं इस काम की क्वीन है, लिव लाइफ क्वीन साइज, बड़ा काम बैड प्राइस, इसीलिए 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, नहीं तो मैं चली। अरे ले लेना, वैसे भी इस घर में कोई आना ही नहीं चाहता। अरे कोई भूत चुड़ैल को सीन है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अगर हो ना तो पहले ही बता देना, अपन अच्छे अच्छे भूत को गायब के लिए है। हैं? सच में? हाँ जी माँ जी, लक्ष्मी घर की सफाई और बातों का सफाया करने में एक्सपर्ट है। तुम मेरी एक मदद करोगी? देखो घर का बाहर काम हुआ ना तो अलग पैसे लेगी मैं, हिसाब की पक्की हूँ। बताओ किस टाइप का भूत है? अरे रात को ना छत से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई चल रहा हो। एक बार बाबूजी ने जाके देखा तो छत पे कोई नहीं था। कभी वहां से हंसने की तो कभी रोने की आवाज आती है। अच्छा मैं क्या बोले लिए, एक काम करो सबको बुला लो यहाँ पर। लक्ष्मी के कहने पे छोटू, बाबूजी, आदित्य और बहू वहां आ जाते हैं। मैं लक्ष्मी, मैं आपके घर में नई हूँ, मुझे लोग लक्ष्मी बॉम भी बुलाते हैं। लक्ष्मी बॉम, ये कैसा सरनेम है? मेरे पिताजी ना पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे, और मेरी जन्म भी दिवाली पे हुई थी, तो दिवाली पे लक्ष्मी भी आती है और बॉम भी, इसलिए लक्ष्मी बॉम। हाँ यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? अरे नहीं ना, घर में भूत है उसको भगाना है, सबको साथ देना पड़ेगा। देखो मुझे तो अभी तक दिखेला नहीं है, जिस दिन मुझे भूत दिखेगा ना मैं चूड़ियाँ पहन लूंगी। है चूड़ी पहनने से क्या होगा? अरे नहीं नहीं, मेरे कंगन खराब हो गए ना तो नई चूड़ी पहननी है, इसलिए बोल दिया। अरे पॉइंट पे आओ ना। देखो रात को मैं छत पे सोएगी और अगर भूत आया तो पकड़ लेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा रिस्क मत लो। अरे अपन को भूत को डराने का है, भूत तो अपन को देख के ही भाग जाएगा। वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी शक्ल से। आए ऐसा शक्ल पे जोक नहीं मारने का, हाँ वरना लक्ष्मी बांब पाड़ देगी, समझी? अरे तुमको क्या
पड़ी है भूत पकड़ने की, आज ही आई हो और जासूस बनने चली हो। अरे तुमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, कहीं भूत और तुम्हारा कोई गठबंधन तो नहीं है ना? हो सकता है, भाभी वैसे भी भूत वाली फिल्में बहुत देखती हैं। अरे देखो, मिलके भूत से लड़ने का है, आपस में ऐसे ना ही लड़ने का। रात को लक्ष्मी भूत के इंतजार में छत पर जाकर सो जाती है। सबको लगता है कि आज तो भूत पकड़ में आ ही जाएगा। आधी रात तक कोई हलचल नहीं होती। तभी अचानक किचन में एक बर्तन गिरता है। माँ जी, बाबू जी और लक्ष्मी किचन में आते हैं। लगता है भूत को पता चल गया कि लक्ष्मी ऊपर सो रही है, इसीलिए रसोई में आया था। या हो सकता है कि आपकी बहू ने भूत को बता दिया हो। अरे हमारी बहू पे शक मत करो, क्या वो चुड़ैलों के खानदान से है? है तो नहीं, पर उसके मायके वाले कम भी नहीं है जी। अब मैं ना कल किचन में सोएगी, यहाँ भूत आया तो पकड़ लेगी। हाँ, पर ये बात किसी को बताना मत या जोर से बोलना भी मत, वरना भूत को पता चल जाएगा। अरे नहीं जी, सबको बताना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए। बाबूजी को तब लक्ष्मी की बातें समझ नहीं आती। अगली सुबह अपुन को तो भूत नहीं मिला, बड़ी तेज बन रही थी कल, जैसे भूत को पकड़ ही लेगी। अरे तुम्हें ने बताया होगा। हाँ हाँ, भूत का तो व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास, कुछ भी बोल रही हो। सारा घर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। छत पे तो भूत नहीं था, किचन में आवाज हुई थी कल, तो आज मैं किचन में सोएगी। लेकिन लक्ष्मी किचन का बोल के आज भी छत पर ही जाती है और कई दिनों से सूखी पड़ी एक सीमेंट की खाली पानी की टंकी में बैठ जाती है। माँ और बाबूजी को लगता है कि आज किचन से जरूर भूत निकलेगा। है हनुमान जी, लोग बोलते हैं कि भूत भगा दो, मैं बोल रही हूँ कि भूत बुला दो, आज तो पकड़ ही लेगी मैं। थोड़ी देर में बाबूजी और माँ को छत से ढम ढम की आवाज आती है। आ गया, ऊपर है, किचन में नहीं आया, ये तो बड़ा स्मार्ट भूत है। तभी लक्ष्मी की नजर अंधेरे में चल रही एक लाइट पर पड़ती है, जो कभी छत की इस तरफ तो कभी उस तरफ हो रही है। लक्ष्मी टंकी में बैठे बैठे एक बॉम्ब निकालती है और छत के बीचों बीच फेंक देती है। बॉम्ब फट जाता है। बाबूजी, माँ जी, आदित्य और बहू डर के मारे हॉल में निकल आते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों की तरफ से चीखता हुआ छोटू वहां आ रहा है। मम्मी मम्मी। अरे क्या हुआ छोटू, ऊपर क्यों गया था, भूत देख लिया क्या? वो आवाज कैसी थी? वो आवाज थी लक्ष्मी बाम की, वो भूत और कोई नहीं जी, छोटू ही है, जो रोज छत पे जाके डम डम की आवाज करते हैं। छोटू तुम? वो बाबूजी मैं। अरे छोटू जी किसी से बात करते हैं फोन पे, अंधेरे में छोटू जी तो नहीं दिखते, पर फोन की लाइट दिखती है और इनके पाँव की आवाज से ही डम 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 की आवाज आती है। छोटू सच सच बोल, मैं अपनी एक दोस्त से बात करता हूँ रात को, आपका और मेरा कमरा आसपास है ना, इसलिए ऊपर जाके बातें करता हूँ ताकि आवाज ना आए। अरे भूत भी पकड़ा गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी। अरे पर तुमने डरा के क्यों रखा घर में सबको, भूत है करके? डर के मारे कोई चेक थोड़ी ना करने आता, और मैं कभी पकड़ा भी नहीं जाता ना, इसलिए। अरे तेरा तो भूत मैं उतारूंगी छोटू, होने दे सुबह। नहीं माँ जी, तुम्हारा बेटा है, टेढ़ा है पर तेरा है, मारने का नहीं जी, समझाने का। थैंक यू लक्ष्मी, तुम नहीं होती तो। अरे इमोशनल अत्याचार नहीं करने का, मैंने कहा था ना जिस दिन भूत दिखेगा चूड़ी पहन लूंगी, चूड़ी तो कल नहीं, चूड़ी दिलवा देना मेरे को। वाह लक्ष्मी, भूत का बॉम्ब तो फ्यूज निकला, ये लक्ष्मी बॉम्ब सही में धमाका कर गया। वैसे एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम किचन में सोने जाओगी, तो छत पे कैसे चली गई? अरे भूत को कंफ्यूज करना था ना, इसलिए मैंने भी झूठ बोला, वरना भूत छत पे क्यों आता, है ना भूत? अब सॉरी।
नहीं नहीं, मतलब कि कल रात को किचन में छोटू ही था। अरे नहीं जी, उसका भूत था।